जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों, बॉलीवुड के लिए 2022 कोई बहुत अच्छा नहीं गुजर रहा है, और ऐसे टाइम पर जब दो बड़ी रिलीजेज लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन सिनेमाज में रिलीज हुई थी, तो काफ़ी उम्मीद की जा रही थी कि ये दोनों मूवीज जो हैं धमाल करेंगी और बॉलीवुड की वापसी के लिए जिम्मेवार होंगी। इससे पहले ये उम्मीद लास्ट मंथ लगाई गई थी जब शमशेरा सिनेमाज में रिलीज हुई थी, और दूसरे दिन ही शमशेरा ने धूल चाट ली थी। और अब दोस्तों यही हाल नजर आ रहा है लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन का। दोस्तों, कल लाल सिंह चड्ढा जहां सिनेमाज में रिलीज हुई, उसके बाद से उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ नहीं आए। कई लोगों को तो ये बहुत अच्छी लगी, जो आमिर खान के फैंस हैं उनको बहुत पसंद आई, लेकिन मोस्ट लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। और अब जो वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है इस मूवी के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। और यहाँ पर आमिर खान के ऊपर एक और प्रॉब्लम आ चुकी है, जो मैंने आपके सुबह के वीडियो में आपको बताया था कि इनकी OTT डील जो थी नेटफ्लिक्स के साथ, वो भी दोस्तों ब्रेक होने जा रही है, क्योंकि नेटफ्लिक्स नहीं चाहता कि इस मूवी को 6 महीने तक रोका जाए OTT रिलीज़ के लिए, जो कि आमिर खान करना चाहते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिनेमा में आके इस मूवी को देखें। तो अब नेटफ्लिक्स यहाँ पर पीछे हट रहा है, तो जो OTT से इनकम होने वाली थी दोस्तों, वो भी इस टाइम डामाडोल नज़र आ रही है। और ऐसे टाइम पर कलेक्शंस इन मूवीज़ की किस तरीके से बिहेव कर रही हैं सिनेमा में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, कल जब लाल सिंह चड्ढा को रिलीज़ किया गया था, तो इसने फर्स्ट डे में 11 करोड़ की कमाई की थी, यानी 11 करोड़ रुपए की कमाई की थी। हालांकि इसकी एडवांस बुकिंग थोड़ी सी रक्षाबंधन से बेटर थी, और कल दोस्तों ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा रही थी कि बहुत ज़्यादा इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि राखी के त्यौहार की वजह से दोस्तों कल और आज 2 दिन तक ये मनाया गया, तो लग रहा था कि शायद आज दोपहर के बाद इसका पिकअप होगा और शायद लाल सिंह चड्ढा कुछ कमाल कर पाएगी। तो दोस्तों, कल इसने 11 करोड़ का बिजनेस किया था, और आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, जो कल 15 से 20% थी, आज उम्मीद की जा रही थी कि 20% से ऊपर चली जाएगी। लेकिन अफसोस दोस्तों, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और दोस्तों, अगर आज की माने तो आज सुबह से इस मूवी ने दोस्तों टोटल 7 करोड़ का बिजनेस किया है, यानी 7 करोड़ का बिजनेस किया है। कल 11 करोड़ का किया था, आज 7 करोड़ का किया है, यानी कि अभी तक 2 दिन में दोस्तों इस मूवी ने सिर्फ 18 करोड़ रुपए की कमाई की है इंडियन बॉक्स ऑफिस से। और मैं आपको यहाँ पर यही बता दूँ दोस्तों कि इस तरीके की शुरुआत के बाद इस मूवी का 50 to 70 crores के बीच में बिजनेस जाते जाते जो है एक महीना गुजर जाएगा, और उसके बाद दोस्तों इसका जो रन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो लाल सिंह चड्ढा से जो उम्मीद की जा रही थी कि बॉलीवुड का कमबैक करने वाली है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों अब उम्मीद धूमिल नज़र आ रही है। कंपैरेटिवली इसके तो बात करें अगर रक्षाबंधन की, तो रक्षाबंधन का दोस्तों कल का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरा था। इसने 9 करोड़ की कमाई की थी, कल 9 करोड़ की कमाई की थी, क्योंकि इसकी एडवांस बुकिंग जो थी वो लाल सिंह चड्ढा के मुकाबले कम थी। लेकिन आज दोस्तों थोड़ा सा इस मूवी ने पिकअप किया है, क्योंकि इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं। अभी तक जो भी फैमिली टाइप की मूवी देखना चाहते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो थोड़े से यंगस्टर्स हैं, जो थोड़े एक्शन या थोड़ी फास्ट पेस्ड मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, लेकिन जो फैमिलीज की साफ सुथरी मूवीज़ देखना चाहते हैं, उन्हें रक्षाबंधन मूवी दोस्तों थोड़ी बहुत पसंद आ रही है। इसलिए इस मूवी का एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ निकल रहा है। तो दोस्तों, इस मूवी ने जब कल ओपनिंग की थी, तो इसने 9 करोड़ की ओपनिंग की थी, यानी 2 करोड़ कम लाल सिंह चड्ढा से, लेकिन आज इसकी पिकअप थोड़ी सी बेटर हुई है। इसका ऑक्यूपेंसी रेट 20% से प्लस चला गया है, और आज दोस्तों इसने जो कमाई की है वो की है 6.5 करोड़ की, यानी कि दोस्तों ये मूवी फिलहाल अब 15-16 करोड़ के आसपास जा रही है। तो किस तरीके से ये बेटर हो जाती है लाल सिंह चड्ढा से, क्योंकि इसका बजट लाल सिंह चड्ढा कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, लेकिन अभी तक जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें दोस्तों रक्षाबंधन फिलहाल जो है वो लाल सिंह चड्ढा को बीट कर रही है। लाल सिंह चड्ढा की जो एडवांस बुकिंग थी वो बेटर थी, उस वजह से वो थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पर आ रहा है, लेकिन अभी रक्षाबंधन जो है वो पिकअप कर रही है। तो अगले 2 हफ्तों में मेरे हिसाब से रक्षाबंधन जो है लाल सिंह चड्ढा को पीछे छोड़ देगी, लेकिन ये दोनों ही मूवीज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम तक सिनेमा में होल्ड कर पाएंगी, ऐसी दोस्तों उम्मीद कम नज़र आ रही है। रक्षाबंधन के राइट Z5 के पास हैं, और Z5 इसे 5 से 6 हफ्ते में रिलीज़ कर देगा, तो इसलिए वहाँ पर तो OTT से थोड़ी कमाई रक्षाबंधन की हो जाएगी, लेकिन लाल सिंह चड्ढा की OTT कमाई के ऊपर भी अभी से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों, ये आज की अपडेट थी, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ऑफ दीज 2 मूवीज़, हाउ दे आर डूइंग इन द सिनेमा। अब दोस्तों, जैसे मुझे और अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। एंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।